और एक और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से मिल रही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे आईएएस तरुण पिथौड़े। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में बनाए गए हैं डायरेक्टर। 2009 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस हैं तरुण पिथौड़े। रिलीव करने के लिए डीओपीटी ने राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है। अब डेप्यूटेशन पर जा चुके अब तक 48 आईएएस अधिकारी। एक और आईएएस अधिकारी का नाम इसमें जुड़ गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे तरुण तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तरुण को अब यहां से डेप्यूटेशन पर केंद्र में भेजा जाएगा। 2009 बैच के ये मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस हैं। रिलीव करने के लिए डीओपीटी ने राज्य सरकार को पत्र भी लिख दिया, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी दिनेश शुक्ल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? ये देखिए, आईएएस अधिकारी हैं तरुण पिथौड़े, जो कि भोपाल सहित सीहोर के कलेक्टर रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। 2009 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं तरुण पिथौड़े। तो बात की जाए तो तरुण पिथौड़े को लेकर जिस तरह की बातें चल रही थी कि वो प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे, अब उसके आदेश भी जारी हो गए हैं। उन्हें रिलीव करने के लिए डीओपीटी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। कुल मिलाकर अभी तक मध्य प्रदेश कोटे से 48 आईएएस अधिकारी हैं जो वो डेपुटेशन पर जा चुके हैं। तो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं और आने वाले समय में उनकी सेवाएं केंद्र में देखी जाएंगी। जी ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब जाएंगे आईएएस तरुण। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब केंद्र में सेवाएं देंगे, उन्हें रिलीव करने के लिए ये लेटर भी सामने आ चुका है। तो रिलीव करने के लिए डीओपीटी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए मांग की गई है कि उन्हें रिलीव किया जाए। और अब तक एमपी से डेप्यूटेशन पर करीब 48 आईएएस अधिकारी जा चुके हैं।